कैसे हो दोस्तों? अपने घर के लोग अगर दुश्मनी करें, अपने घर के लोग अगर दुश्मनी करें, किस आसरे पे यारो बसर जिंदगी करें। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 3rd जून थर्सडे 2021, फर्स्ट पेज पे इसका एक आर्टिकल आया जिसमें ये बताया गया है कि यूनियन कैबिनेट ने एक बिल पास किया है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट, इन शॉर्ट MTA, इसमें ये बताया है कि इसके तहत ओवरऑल जो ग्रोथ है लीगल फ्रेमवर्क का, होम रेंटिंग का, उसमें बढ़ावा मिलेगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो कॉपी है मॉडल टेनेंसी एक्ट की, वो सर्कुलेट की जाएंगी हिंदुस्तान की सारी स्टेट्स को, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। इस MTA के तहत प्राइवेट पार्टिसिपेंट होगा होम रेंटिंग के लिए, और जो ये गैप है, ये जो खाली होम पड़े हुए हैं, वो गैप भी फुलफिल होगा। और इसका जो ड्राफ्ट बिल था, 2 साल पहले इसको प्रपोजल के लिए डाला गया था फ्रॉम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री इन द ईयर 2019। अब जाके यूनियन कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया। न्यूज़पेपर में यह भी बताया गया है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत जो खाली घर है उनको भाड़े पे दिया जाएगा। प्राइवेट पार्टिसिपेंट भी इसमें हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से जो शॉर्टेज है, रेसिडेंस की जो शॉर्टेज है, वो पूरी होंगी, ये कहना है सेंटर का। इस एक्ट के तहत रेंटल अथॉरिटी बनाई जाएंगी, रेंटल कोर्ट बनाया जाएगा, रेंटल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, और इसको फास्ट ट्रैक के तहत इसकी जितनी डिस्प्यूट्स है उसका रिजोल्यूशन होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनका यह कहना है कि इस एक्ट के तहत अब रेसिडेंशियल प्रमाइसेस के लिए महज 2 महीने का भाड़ा देना पड़ेगा, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, और कमर्शियल के लिए 6 महीने का भाड़ा देना पड़ेगा, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। तो अब जो रेसिडेंशियल प्रमाइसेस के ओनर है, अब वो समझ लीजिए कि अब तक जैसा वो 1-2 लाख, 5 लाख डिपॉजिट की शक्ल में लेते थे लाइसेंसेस है अपनी जगह भाड़े पे देने के लिए, एक्सक्लूडिंग मंथली कंपनसेशन, जो महीने का भाड़ा लेते थे उसको छोड़ के, तो अब वो सब काफूर हो चुका है। और कमर्शियल पर्पस के लिए जो 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपया डिपॉजिट की शक्ल में लेते थे ओनर्स फ्रॉम द लाइसेंसी, अब वो महज 6 महीने का भाड़ा ही ले पाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट की शक्ल में। तो ये अब सिटीजन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून तो बन ही गया है, यूनियन कैबिनेट ने ये कानून पास कर दी है, और इसकी कॉपी सारी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, यूनियन टेरिटरीज को इसकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो आने वाले दौर में ओनर्स को महज रेसिडेंशियल प्रमाइसेस के इनको 2 महीने का भाड़ा मिलेगा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, और 6 महीने का भाड़ा मिलेगा कमर्शियल को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। स्टेक होल्डर जो ये इस बारे में कह रहे, इस MTA के बारे में कह रहे कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि ईयर 2025 तक हिंदुस्तान के सारे सिटीजन के पास अपने रहने के एक इंतजाम रहे, एक प्रमाइसेस रहे, और उसकी पहल में MTA एक बड़ा कदम है। शिशिर बैजल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाइट फ्रैंक इंडिया, उनका यह कहना है कि ये जो एक्ट आया है ये कमर्शियल प्रमाइसेस के लिए तो बहुत अच्छा है,
क्योंकि वहां पे अक्सर ओनर और टेनेंट के बीच में एक फ्रैक्चर पोजीशन थी, और ये एक आने से बहुत ही अच्छा होगा। मगर वो कह रहे हैं कि रेसिडेंशियल प्रमाइसेस के लिए एक बराबर नहीं है। अलबत्ता इस एक्ट के तहत ओनर और टेनेंट यानी कि घर मालिक और जो भाड़ूतार है उनके लिए एक बैलेंसिंग का काम होगा। हमारा ये कहना है कि रियल एस्टेट में प्रीवियसली कोई भी कानून नहीं था, कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी, मगर 2016 में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने रेरा का इंप्लीमेंट करी, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ईयर 2016। इस तरीके से रियल एस्टेट पे एक पाबंदी आयद हुई। मगर अब जो ये मॉडर्न टेनेंसी एक्ट आया है, मॉडर्न टेनेंसी एक्ट जो आया है, इसके तहत भी हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे घर में जो केबल टीवी था उसके ऊपर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे चैनल लाया, और हर मिनिस्टर यही कह रहा था कि ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सस्ता रहेगा, आपको जो चाहिए आप उसे देखिए और बहुत बहुत ही चीप रहेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो केबल ऑपरेटर हमसे पहले 200 250 300 रुपया लेता था, अब ये पे चैनल के तहत मिनिमम हमको 450 500 रुपया हो रहा है पर पर्सन पर पॉइंट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, और ये जो मॉडल टेनेंसी एक जो गवर्नमेंट ने लाई है हम पे इम्प्लीमेंट कर रही है कि महज 2 महीने का रेंट ही डिपॉजिट होगा फॉर रेसिडेंशियल पर्पस और 6 महीने का रेंट ही डिपॉजिट होगा फॉर कमर्शियल पर्पस। तो इसमें ओनर्स को क्या रिलीफ मिलने वाली है ये तो ऊपर वाले ही जाने, क्योंकि गवर्नमेंट इसके तहत जब इतनी सुविधा देने की बात कह रही है कि हम ट्रिब्यूनल बनाएंगे, फास्ट ट्रैक बनाएंगे, और 60 दिन के अंदर जो डिस्प्यूट है बिटवीन ओनर और टेनेंट उसका सोल्यूशन भी करेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होने वाला नहीं है। तो ऐसा ना हो हमारी प्रॉपर्टीज रहते हुए हमको बेनिफिट नहीं मिले और उससे ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट ले ले। आवाज बुलंद कीजिए, इससे पहले कानून तो बन चुका है, लेकिन आप भी अपनी पहल कीजिए, क्योंकि आप भी रेसिडेंस या कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ओनर है, और वो प्रॉपर्टी रहते हुए अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा जो पहले मिल रहा था, तो ऐसी प्रॉपर्टीज का क्या फायदा है?